हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम की ऑनलाइन क्लासेस में मैं मनीष गहलोत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर लिंक लिस्ट। लास्ट के वीडियो में मैंने आपको लिंक लिस्ट के बारे में बताया था और लिंक लिस्ट और एरे के बीच में कंपैरिजन करके बताया था कि कौन से ऑपरेशन में कब लिंक लिस्ट बेस्ट है और कब एरे बेस्ट है। सो फ्रेंड्स, इन टुडे वीडियो वी लर्न अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट। फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें लीनियर लिंक लिस्ट जो है वो फेल हो जाती है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। लाइक लेट्स से अगर हमारे पास में एक लिंक लिस्ट है, मान लीजिए ये लिंक लिस्ट है, ठीक है, ये लिंक लिस्ट का लास्ट नोड है और ये फर्स्ट नोड है, ठीक है। हमें सबको पता है कि ये पार्ट जो है डेटा पार्ट है और ये जो है नेक्स्ट पॉइंटर नोड है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस अपने यहाँ कंटेन करके रखती है और ये आपका लास्ट नोड है जहाँ पे कोई एक वैलिड एड्रेस नहीं होता है, नल एड्रेस होता है। सो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आप पर्टिकुलर इस नोड पर हैं, ठीक है, और आपको बैक वाला नोड प्रोसेस करना है, तो सिंगल लिंक लिस्ट में ये पॉसिबल नहीं है। इट इज ओनली द वन डायरेक्शनल लिंक लिस्ट। आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव हो सकते हैं, दो डायरेक्शन में आप मूव नहीं हो सकते, ठीक है, पहला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिवर्स दी सिंगली लिंक लिस्ट। आप सिंगली लिंक लिस्ट को रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपके पास बैकवर्ड कोई पॉइंटर है भी नहीं जिसके थ्रू आप इसको रिवर्स कर सकें, या आप कोई ऐसी पोजीशन नहीं है जहां पे आप बैकवर्ड में आ सकें, आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करना है। सो सिंगली लिंक लिस्ट जो है यहाँ पर आकर फेल हो जाती है। तो हमने एक और कंसेप्ट अडॉप्ट किया, डेट इज़ द सर्कुलर लिंक लिस्ट, जहाँ पे हमने ये पर्टिकुलर कुछ डिसएडवांटेज जो है रिमूव करने की कोशिश की है। सो फ्रेंड्स, सर्कुलर लिंक लिस्ट इज बेसिकली, यहाँ नाम से इम्प्लीमेंट हो रहा है, दिस इज द फर्स्ट नोड ऑल्सो कॉल्ड एज हेडर नोड, ठीक है, सेकेंड, थर्ड और जो लास्ट नोड में सिंगल लिंक लिस्ट में यहाँ पे एक नल एड्रेस होता था, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ नल एड्रेस नहीं है, इस पर्टिकुलर लास्ट नोड में फर्स्ट नोड का एड्रेस है, अगेन इसलिए इसको क्या कहते हैं, सर्कुलर लिंक लिस्ट। ऑल नोड्स, यहाँ पे जितने भी नोड्स हैं उन सब में एक वैलिड एड्रेस होता है, कोई भी नोड में इनवैलिड एड्रेस या नल एड्रेस नहीं होता है, ठीक है, ये इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज आप कह सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज अ हेडर नोड, यहाँ पर हेडर नोड की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमें सबको ये पता है कि स्टार्ट नोड में फर्स्ट नोड का एड्रेस यहाँ पे कंटेन होता है, बट जब लेट्स से हम नोड में इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, ये नोड शायद आगे आ जाएगा और फिर नए नोड इंसर्ट होंगे। सो व्हाट इज द वे टू फाइंड आउट द फर्स्ट नोड इन द सर्कुलर लिंक लिस्ट, उसके दो तरीके हैं, या तो आप एक कोई एक्सटर्नल पॉइंटर लीजिए, एक फ्लैग वैल्यू लीजिए जो पर्टिकुलर इस फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करे, ठीक है, कोई एक्सटर्नल आप पॉइंटर ले लीजिए और इस पर्टिकुलर नोड का एड्रेस उसके अंदर आप सेव करा दीजिए, तो आप उससे पता कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सर्कुलर लिंक लिस्ट में फर्स्ट नोड कौन सा था। और दूसरा जो एफिशिएंट जो मेथड है वो ये है कि आप फर्स्ट नोड को एज अ डमी नोड मान लीजिए, हेडर नोड कहते हैं उसको, ठीक है, इस डमी नोड में एक सेंटिनल वैल्यू यहाँ पे आप डाल दीजिए, अ डमी वैल्यू दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर नोड्स। मान लीजिए इस नोड में डेटा है ए, बी और सी, ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई एक माइनस वन या ऐसे कोई आपको एक वैल्यू डाल लीजिए, ये वैल्यू इन सबसे क्या होगी, डिफरेंट होगी, और इसी के थ्रू हम पहचान सकेंगे कि इस पर्टिकुलर सर्कुलर लिंक लिस्ट में अगर यहाँ नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ नोड्स हो तो भी उस पर्टिकुलर सर्कुलर लिंक लिस्ट में फर्स्ट नोड कौन सा था, ठीक है, ओके, एंड ऑल नोड कंटेन्स अ वैलिड एड्रेस, सारे नोड्स में जो है एक वैलिड एड्रेस होता है। लेट्स से हम मान लेते हैं इस नोड का एड्रेस 100 है, इसका 200 है, इसका 300 है और इसका 400 है, तो इसका हो जाएगा नेक्स्ट एड्रेस का एड्रेस 200 300 400, ठीक है, और इसमें किसका एड्रेस है, फर्स्ट नोड का, तो फर्स्ट नोड का एड्रेस हमने माना 100, तो इसका भी एड्रेस क्या होगा, नेक्स्ट 100। लास्ट नोड में फ्रेंड्स किसका एड्रेस होगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा, और ये सर्कुलर वे में इस तरह से क्या होगी, चलती रहेगी। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द सर्कुलर क्यू लिंक लिस्ट।
अब जो फ्रेंड्स सिंगली लिंक्ड लिस्ट के जो एडवांटेज थे या डिसएडवांटेज थे, ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया था कि सर्कुलर सॉरी सिंगली लिंक्ड लिस्ट को हम रिवर्स नहीं कर सकते। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर नोड पे है तो आप बैकवर्ड में नहीं जा सकते। ये सारे डिसएडवांटेज कुछ हद तक यहाँ पे रिमूव हुए हैं। कैसे फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आप नोड बी पर हैं तो सर्कुलर वे में आप वापस राउंड अप होके नोड बी पर आ सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल। और इस लिंक लिस्ट को हम रिवर्स भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास में सर्कुलर वे में वापस राउंड अप होके हम इस लिंक लिस्ट में आ सकते हैं। बट फ्रेंड्स ये जो टास्क है ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, किसमें, सर्कुलर लिंक लिस्ट में। बट आगे आने वाले जो वीडियो है उसमें मैंने जस्ट जो इसका जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको बताऊंगा कि ये जो है रिवर्स करना और जस्ट प्रीवियस नोड पे आना ये बहुत ईजी होता है डबली लिंक लिस्ट में, क्योंकि ईच एंड एवरी नोड इज डिवाइडेड इंटू द थ्री पार्ट्स इन द डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट में हमेशा जो नोड है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, वैसे सर्कुलर में यहाँ दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसमें क्या होता है कि पहले पिछले वाले नोड में प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर होता है और एक नेक्स्ट जो और पॉइंटर होता है उसमें नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस स्टोर होता है। तो वहाँ पे जो है रिवर्स करना और बैकवर्ड वाले नोड पे जाना बहुत ईजी होता है। हम यहाँ पे भी जा सकते हैं बट इट टेक्स अ टाइम, यहाँ पे ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो थोड़ा जो सिंगली लिंक्ड लिस्ट का जो डिसएडवांटेज था वो हमने यहाँ पे आके इसको दूर किया है। नाउ फ्रेंड्स, इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो हम डिस्कस करते हैं। पहला जो इसका एडवांटेज है वो ये है, वी कैन गो टू द एनी नोड। ऑब्वियसली बात है, जैसा मैंने अभी आपको कहा कि अगर आपको एक पर्टिकुलर नोड पे है, अगर आपको किसी और दूसरे नोड पर अगर आपको मूव करना है तो आप सर्कुलर लिंक लिस्ट में इजीली आप जो है किसी भी नोड पर आप मूव कर सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल। बट सिंगली लिंक लिस्ट में वो पॉसिबल नहीं है। सेकेंड जो इसका एडवांटेज है वो ये है, सेव द टाइम टू गो टू द फर्स्ट टू लास्ट नोड। अगर आपको लास्ट नोड से फर्स्ट नोड पर जाना है तो विद इन अ सिंगल स्टेप आप ये जा सकते हैं। एक सिंगल स्टेप में एक पॉइंटर की लोकेशन आपको चेंज करनी है और आपको लास्ट से फर्स्ट पे आप इजीली मूव हो सकते हैं। सो इट्स सेव्स अ टाइम, यहाँ पे टाइम की बहुत सेविंग हो जाती है। और थर्ड जो मैंने आपको डिस्कस किया था कि सारे नोड में एक वैलिड एड्रेस होता है, किसी भी नोड में इनवैलिड एड्रेस नहीं होता है। इनवैलिड का मतलब नल पॉइंटर, नल एड्रेस, वो सिंगली लिंक्ड लिस्ट में होता है जो लास्ट नोड को डिनोट करता है। बट यहाँ पे जितने भी नोड्स हैं उन सबके अंदर एक कोई वैलिड एड्रेस होता है जो पर्टिकुलर किसी नोड को पॉइंट आउट कर रहा हो, ठीक है। ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं फ्रेंड्स। और अभी हम इसके डिसएडवांटेज को देखते हैं। नॉट ईजी टू रिवर्स, रिवर्स कर सकते हैं बट इट इज़ नॉट ईजी टास्क। आपको सारे नोड को एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है, पूरे राउंड अप को आपको वापस आना पड़ेगा, फिर आपको रिवर्स करना पड़ेगा। सो इट इज़ नॉट ईजी टू रिवर्स अ सर्कुलर लिंक लिस्ट, बट डब्ल्यू लिंक लिस्ट में इट इज़ वेरी ईजी, ठीक है। सेकेंड जो इसका डिसएडवांटेज है फ्रेंड्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट मे गो टू द इनफाइनाइट लूप। ये लिस्ट जो है इनफाइनाइट लूप में जा सकती है अगर आपने हेडर नोड को मेनटेन करके नहीं रखा होगा तो। या तो आप हेडर नोड को मेंटेन रखें, उसमें कोई एक सेंटिनल वैल्यू या डमी वैल्यू आप रखें ताकि आप इस वैल्यू से आप पहचान सकें वो कि ये फर्स्ट नोड है या नहीं है, और सारे नोड से वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम जो है उसको हेडर नोड कहते हैं, ठीक है। हेडर नोड की क्वालिटी होती है कि आप उसमें एक सेंटिनल वैल्यू या डमी वैल्यू रख दीजिए, आप उस वैल्यू से उस नोड को पहचान सकते हैं कि फर्स्ट नोड है, और उसकी वैल्यू सारे नोड से क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। पहला तो ये तरीका है। दूसरा मैंने आपको बताया कि आप एक कोई एक्सटर्नल पॉइंटर आप मेंटेन करें, बट वो थोड़ा सा हेक्टिक टास्क है। और थर्ड ये डिसएडवांटेज हो सकता है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर नोड है यहाँ पर और जस्ट प्रीवियस नोड पे जाना है तो आपको लिस्ट में जितने भी नोड्स हैं उन सबको एक्सेस करके यहाँ पहुँचना पड़ेगा। सो इट्स ऑल्सो टेक्स द टाइम, कंज्यूम्स द टाइम, ठीक है, टू रीच द जस्ट प्रीवियस नोड। सारे प्रीवियस नोड को एक्सेस करने के लिए आपको पूरा नोड को एक्सेस करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, सिंगली लिंक लिस्ट में कुछ जो डिसएडवांटेज हैं वो उसको हमने यहाँ पे कुछ हद तक रिमूव किया है, बट वो पूरे रिमूव नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इस लिंक लिस्ट में क्या नया कंसेप्ट था कि लास्ट नोड में एक वैलिड एड्रेस होता है जो फर्स्ट जो नोड है हमारा स्टार्टिंग नोड उसको पॉइंट आउट करता है, ठीक है। बाकी जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल सिंगली लिंक लिस्ट जैसा ही है, उसमें कोई जो है दोराय नहीं है फ्रेंड्स। इससे मैं आपको इस सीरीज़ में सारे जो कंसेप्ट हैं डेटा स्ट्रक्चर के वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और एक नई सीरीज़ प्लेलिस्ट मैं आपके सामने और लेके आ रहा हूँ जिसमें
जितने भी हम यहाँ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड उसकी एल्गोरिदम्स और प्रोग्राम्स वहाँ पे उस सीरीज में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकली भी मैं आपको समझाऊंगा कि डेटा स्ट्रक्चर कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, सिंगल लिंक्ड लिस्ट, सर्कुलर, डबली और एरे, क्यू, स्टैग, ट्री, ये सारे जितने भी डेटा स्ट्रक्चर है हम उसमें प्रैक्टिकल एक नई सीरीज में वहाँ पे करेंगे। इस सीरीज में मैं आपको सारे जो है थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर कर रहा हूँ डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग का जो सेक्शन है वो अलग सीरीज में होगा और थ्योरी वाला सेक्शन है वो एक अलग सीरीज में होगा। ठीक है, तो वो सीरीज भी जल्दी ही आपके सामने आने वाली है। आप उस सीरीज में टोटली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे सारे डेटा स्ट्रक्चर्स का। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के आप ज़रूर भेजें, हम उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर भेजेंगे। और आज का वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमें एंकरेज कीजिए ताकि हम ऐसे कॉन्सेप्ट्स और वीडियोस आपके सामने और ला सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।